निरसा क्षेत्र में एनएचआईए द्वारा नेशनल हाईवे के दोनों ओर नाला निर्माण करने हेतु खुदाई का कार्य आधा अधूरा छोड़े जाने से ग्रामीणों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते लगभग 3-4 महीने से नाला खुदाई कार्य को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्य अधूरा रहने के कारण जल जमाव हो रहा है, जिससे बीमारियों का भी खतरा बढ़ता रहता है। सर आज 3 महीने से तोड़ के रख दिया, ठेकेदार को बार बार कहा जा रहा, देखिए इसको ठीक कीजिए, इसको नाली ढका ही कीजिए, कुछ नहीं सुन रहा है। यहाँ पानी जमा हो रहा है, डेंगू मलेरिया का ये होगा, मैंने बीमारी छड़ेगा, आज जान माल का क्षति होगा, गिर जाएगा कोई तो मर जाएगा, देखिए हाथ पाथ तोड़ जाएगा, जानवर गिर जाएगा, है ऐसा करके मन मर्जी कर रहा है ठेकेदार। 3 महीने से खुदा हुआ है। बागमारा की बेटी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 166वें अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग कांग्रेस AICOG का आयोजन इस साल हैदराबाद में 6 जनवरी से 10 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसमें 9 जनवरी 2024 को FICOG की तरफ से अवार्ड सेरेमनी का आयोजन रखा गया था, जिसमें सात्विक IVF धनबाद की संचालिका डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि ये एक शैक्षणिक शाखा है। सेमिनार का आयोजन डॉक्टर पारूल कोटवाला की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में देश के सभी राज्यों से नामचीन डॉक्टरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। कॉन्फ्रेंस में वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप टैंक और पूर्व FOGCI अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा की तरफ से संपादित पुस्तक एंटीबायोटिक्स इन ऑप्श एंड गॉयनी भी लॉन्च की गई। खुशी की बात यह रही कि इस पुस्तक में एक अध्याय गर्भावस्था में यौन संचारित संक्रमण डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी की तरफ से लिखी गई है, जिसकी काफी प्रशंसा भी हुई। आप सबों को ये सूचित करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट की, जिसको फॉक्सी के नाम से जाना जाता है, उसके 207 मेंबर सोसाइटीज़ हैं हर ज़िले में, देश के हर ज़िले में, हर स्टेट में, और 40,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो कि 66 एनुअल कॉन्फ्रेंस अभी हैदराबाद में आयोजन हुआ 6 से 10 जनवरी के बीच में, उसमें मुझे फेलोशिप ऑफ ICOG के द्वारा सम्मानित किया गया। कई नेशनल अवार्ड्स मिले, जिसमें इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का अचीवर्स अवार्ड सम्मिलित है, यंग सोसाइटी जो हमारी है, यंग टैलेंट प्रमोशन, उसके तरफ से भी मुझे एक अचीवर अवार्ड दिया गया। और इन सभी के लिए मैं आप सबों का सहयोग, आप सबों का प्यार, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और चाहती हूँ कि आगे भी धनबाद का नाम मैं नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी पुत्री है, सिर्फ इसलिए भी कि उन्होंने इतने कम समय में जो अचीव किया चिकित्सा के क्षेत्र में, जो इनका योगदान है वह अविस्मरणीय है, और इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी सेवा है। जो ही ये पास आउट होकर के आई थी, MD करके आई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने अप्रोच किया हम लोगों को, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे, इन सब जगहों के लिए कि आप यहाँ आइए, हमारे इनफर्टिलिटी सेक्टर में काम कीजिए। लेकिन इस सब को ठुकराते हुए कतरास जो जन्म स्थान है, उस क्षेत्र को इन्होंने चयन किया। इन्हें मैं जहाँ जन्मी हूँ, जहाँ पली बढ़ी और जहाँ से मैंने शिक्षा पाया, संस्कार पाया, मैं उस क्षेत्र की सेवा करूँगी। और इस तरह इन्होंने चयन धनबाद का किया, झारखंड का किया, तो आज हम लोगों के लिए गर्व।